हमारे दो भाई लोग पे ठीक है। सो गाना आ चुका है वाइवर साइमन एक्स या भी द गोड की तरफ से, ठीक है। गाने का नाम है RX 100। डेफिनेटली भाई बनता है, ठीक है। क्लासिक बाइक है और वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स में से एक है, ठीक है। दैट इज द सीन। तो जिनको इस बाइक के बारे में मालूम है उनको तो मालूम ही है, ठीक है। बट जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा बता दूँ उनको कि पहले, मतलब मेरे को वैसा लगता था सब लोग मेरे को बोलते रहते कि RX 100 ये वो ऐसी बहुत जोरदार बाइक है। तो मतलब डेफिनेटली मुझे पता था कैसी बाइक होती है। और मतलब रैपर्स, बहुत सारे रैपर्स ने शॉट आउट दिया हुआ है अपने गानों में RX 100 को, ठीक है। सो पर मेरे दिल में एक्चुअल रिस्पेक्ट इस बाइक के लिए कब बनी, जब मैं यामा के इवेंट में गया हुआ था एंड वहाँ से मतलब ऐसा सीन हो रहा था कि ऐसे R15 और मतलब बड़ी बड़ी बाइक्स, ऐसे मतलब जो भी यू नो स्पोर्ट्स बाइक आ रही है वो एंट्री मार रही है वहाँ पे। बट जैसे एक ग्रुप आया, एक गैंग आया पूरा RX 100 लेके भाई, ठीक है। सबके पास RX 100 बाइक है, घुसे वो लोग तो यू नो ऐसे सब लोग साइड में हट गए भाई, समझ लो। तो वो वजह है, वो वट है इस बाइक का, समझ लो। दैट इज द सीन। तो यू नो और सबसे पहली बात तो उसके एक्सेलरेशन की वजह से जानी जाती है बाइक, और आवाज़ की वजह से। तो बहुत क्लासिक बाइक है और डेफिनेटली अगर गाने का नाम ऐसा है, इतना क्लासिक नाम दे दिया भाई, ठीक है, तो गाना भी क्लासिक हो गए। तो सीधा अंदर घुसते हैं, डिकोड करते हैं, मजे करते हैं, चेकआउट मारते हैं। उसके लिए मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो, ठीक है। बातें बहुत अच्छी की, सब्सक्राइब करो 50K एज सून एज पॉसिबल अपने को पहुंचना है। थैंक्स टू संदेश गौतम भाई फॉर द ट्रांसलेशन। लेट्स जस्ट गेट इन, लेट्स सी व्हाट दे हैज टू से भाई। बहुत किलर रैपर्स है दोनों। ओ आ गई भाई, ये रही बाइक भाई, लेट्स गो मैन। या मेरो नसमा मिज खैन सोकियो बाइक देखेर हसल मेरो पीठ पछि रोको दाई। ओ माय गॉड भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये क्या फ्लो है यार, ये क्या फ्लो है भाई। मेरे को सबसे तगड़ा पहले तो यू नो जो यू नो कैच कर लिया वो फ्लो था भाई, ठीक है। मैंने ऐसा फ्लो नहीं सुना भाई, ठीक है। इतना डिफरेंट चीज़ें लाता ना जब ये अभी द गुड बीट पे आता है, ठीक है। और द सीन इज की डेफिनेटली इट इज़ अ फ्लेक्स रैप, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वो है ना पूरा मूड सेट कर रहे हो ना, मैं तुमको पहले बोला गैंग गैंग शिट वाला सीन है भाई, ठीक है। वो पूरा ऐसे जोन बना रहा है कि RX 100 जो ओल्ड बाइक है वो खड़ी हुई है, ठीक है। बंडल ऑफ कैश है इन हैंड बट आई प्रेफर लोकल वाइब्स, यू नो दैट इज द सीन मैन। एंड आई वॉश माय शूज विथ एल्कोहल भाई। ए मैन ए यस्टरडे माय पॉकेट वॉज एम्प्टी बट टुडे, मतलब यू नो मेरे शू का प्राइस 100K मैन। डैम ब्रो लेट्स गो भाई, बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे कहने को। और मतलब थैंक गॉड वो यू नो हमेशा अप्रिशिएट करता है, हमेशा फेथ रखता है और बोल रहा है कि मतलब वो मुझे मिला यू नो जो मैंने हमेशा से माइंड में रखा था, जो मैंने हमेशा थॉट रखा था अपने मन में, यू नो दैट इज़ अ सीन। और मतलब यू नो सीन में मैं बहुत ज़्यादा हरामी हूँ बट डेफिनेटली आई गॉट लॉयल चिक्स एंड यू नो मतलब मेरे अराउंड जो लोग हैं वो हमेशा लॉयल रहते हैं मुझसे, यू नो फ्रेंड्स है, फैंस है, जो भी है भाई सब लॉयल है। दैट इज़ अ सीन भाई, ही फ्लेक्सिंग राइट है भाई। आ जाओ भाई सुनते। रुमई सोचो पाए मेरो नसमा छ मिज खैन सोकियो बाइ देखेर हसल मेरो पीठ पछि रोको दाइ। त्यसैले हिँड्छु म मन भित्र पेन लुकाई, पेन मा शब्द मेरो पेपर मा पोख्छु दाइ। हसल गरे दिन रात यू नो कि आई एम वॉकिंग हाइडिंग माय पेन, देयर इज मतलब मेरे यू नो शब्दों में पेन भी है और मेरे पास पेन भी है भाई, ठीक है। दैट इज अ सीन। तो मतलब वो उसको मैंने यू नो शाही भर दी है भाई, समझ रहे हो, उस पे पेपर पे। After that, you already know भाई history create हुई है यार यावे। Yo man, yo। सब तो मेरे paper में book जाए। Hustle करे दिन रात भाई ना हमरो good luck तो ले पैसे जाए तो रो मैं पैसा लाजिन ना fuck। हमी जब तो बनना मन सो बने, हमी जब तो खट ना तो है ना तेरो game। You lean but the hot। हमी पोती देखी थक परी रने cops scam कुरा पाती देखे रो तो रस्ता उन्हें ढक। तेरो range हाथी था पने plane चढ़ने का। हमी labor परे नेपाल को खोली रखो चौक। लो पैसे केरे fan मेरे पहला को ops। किड़ी हरु दे बंदे हो तो मलाई जोक। तेरो जिंदगी हो cap। रुको यार नेस्टी क्यों हो रहे हो, किडीहरु दे भन्दै आउँछु मलाई जोक। तेरो जिन्दगी हो क्या भाई, मैं समझ गया। ये चीज तो मेरे लौंडे अच्छे से समझ जाएंगे हैं भाई। पर पहले तो अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सॉन्ग के बारे में, ठीक है। सो द सीन इज जो उन्होंने यहाँ पे बोला कि आई डिड हसल एवरी डे, इट्स नॉट जस्ट गुड लक, ठीक है। डेफिनेटली भाई यू नो हक से आए यार, दैट इज द सीन। यू वॉन्ट मनी बट आई डोंट गिव अ फक टू नो यू नो कि एक तो पहली बात मैं तुमको ये चीज़ समझा दूँ कि यू नो जो लोग
हसल के बिना, मतलब ये भी वही गाइड कर रहे हैं कि जो लोग हसल के बिना सिर्फ मतलब मनी चाहते हैं यू नो, तो वो नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि ले मैं भी हमेशा यही चीज़ बोलता यार, आर्ट इज़ समथिंग जिसको तुम करते जाओ, जितना बेटर करते जाओगे और एक दिन पैसा आएगा ही, डेफिनेटली आएगा तुमने अगर मेहनत की होगी। बट बहुत लोग है ना शॉर्टकट देख के आ रहे हैं भाई सीन में कि भाई यू नो बस रैपर्स हैं पैसे कमा रहे तो हम भी रैप करते हैं, कुछ आर्ट में घुस जाते, यूट्यूबर्स बन जाते, ये कर देते भाई, ठीक है। तो डेफिनेटली एक रैपर को अगर गाना लिखने में एक हफ्ता लगता है तो सब लोग अट्रैक्ट हो रहे कि भाई चलो मैं भी हफ्ते में गाना लिख लूंगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। बट भाई वो हफ्ते में जो वो गाना बना रहा है ना, उसको लिखने के लिए उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है पीछे, तो वो कोई आजकल नहीं देख रहा भाई, ठीक है। उनको लगता है हफ्ते में गाना लिख रहे हैं, हाँ भाई लिख देता हूँ मैं भी, बट भाई 10 साल का स्ट्रगल कोई नहीं देख रहा है, वो कोई कर ही नहीं रहा भाई। शॉर्टकट चाहिए सबको आजकल ज़िंदगी में, तो वो डेफिनेटली नहीं होने वाला भाई। हसल करते रहो और तभी फल मिलेगा। और या मैन, अगर तू हसल नहीं करना चाहता बेसिकली, ठीक है, तो ये गेम तेरे लिए है नहीं भाई, ठीक है। तो इस लेन से तू बिल्कुल बिल्कुल हट जा भाई, दैट्स द सीन, यू नो, वही कहना चाह रहा है यहाँ पे। बेसिकली मैंने तुमको पहले भी कहा यार, यू नो, गैंग शिट है भाई, थग्स वाला सीन है, वी आर थग्स सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। कॉप्स हमेशा हमारे पीछे थे, पड़े रहते थे, दैट इज द सीन। और यू डू लॉट्स ऑफ फेक और बिग टॉक्स, ठीक है, दैट इज द सीन। और यहाँ पे हम लोग मतलब नेपॉप के लेबर है, मतलब हम है ना नेपॉप को और ऊंचा लेके जाएंगे, ठीक है, और इसके लिए काम कर रहे हैं बेसिकली, यू नो, डेप्थ में जा रहे हैं, इसको और ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं बेसिकली इस चीज के पीछे, यू नो, दैट इज द सीन। यस सर, यस सर। तेरो जिन्दगी हो क्याप, हाम्रो फिल्म बन्छ पक पक, जति भने सब रियल टक, रियल टक, बचाउन गाह्रो होस् मेरो टक्सिक रियल टक बिच, कहिले हुन्न अप कानो, फेरि डिभाइन सिनको काम पछि गरे एकछिन डिभाइन ल पार पुछस कति। शट टु डिभाइन म्यान, शट टु डिभाइन म्यान, आई नेभर गो ऑफ बी डिभाइन सिन का काम 25। ए बॉय डैम, अ मूवी विल बी मेड ऑन अस, डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली भाई। डिवाइन के ऊपर भी बनाई गई है यार, देखा देखा जाए तो गली बॉय इंस्पायर्ड है पूरा पूरा डिवाइन से, तो यो मैं तुम्हारे ऊपर भी डेफिनेटली बनेगी यार, ये चेहरे हमेशा याद रहेंगे नेपॉप सीन को और इवन वर्ल्ड को भाई। मैन ब्रैक कर रहा है भाई, डेफिनेटली भाई, वो बोलता है जितना तुम्हारा कॉलेज फीस है ना, उतना तो पैसा हमारा सिर्फ मिक्स टेप परचेस करने में चला जाता है भाई लोगों का। एक लाइन तो बहुत सही, मैं तुमको पहले भी बोला भाई, ठीक है, कि लोग रिस्पेक्ट देते जब कोई RX 100 पे आ रहा होता है भाई, समझ रहे हो, रूट से जुड़े हुए लोग लगते ना फिर अपने को, मतलब दैट इज अ सीन। और मतलब वही बात हो गई, कार्स के मामले में अगर देखा जाए तो भाई, तुमको अगर एक एग्जांपल दूँ तो अगर बहुत सारी महंगी महंगी कार्स रुकी है, ठीक है, मतलब कहीं पे खड़ी है और सामने से कॉन्टेसा कार आती है भाई, ठीक है, विंटेज ओल्ड स्कूल 1995, तो यू नो वो क्लासिक फील आता है भाई, कितनी बड़ी कार्स आ जाए, करोड़ों वाली कार्स आ जाए, बट यू नो क्लासिक कार्स, क्लासिक बाइक्स वो वैसी ही रहती है भाई, ठीक है। तो दैट इज द सीन, उसने भाई बोला कि व्हेन वी राइड RX 100 ट्रैफिक भी सल्यूट ठोकता है भाई अपने को। ए मैन, एनीथिंग इज फैक्ट, नथिंग इज, या डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली भाई, ठीक है, दीज आर ऑल फैक्ट्स भाई, ठीक है, फ्लेक्स भी नहीं बोल सकते, फैक्ट्स है भाई, ठीक है, उसने खुद ही क्लियर कर दिया यहाँ पे। द विच टेक्स मी हुम यू हैड अ क्रश, ओ मैन, वाई वर साइबर भाई, तो क्रश छीन रहे लोगों की भाई यहाँ पे नाउ डेज, हम जिधर जाते हैं उधर हमारा क्रेज, और यू नो बहुत सारी बात है यार, आ जाओ वापस से सुनते भाई इसका वर्ड्स, रुको आ जाओ tante posso have me soil tero life vabbè so yaar sun have me addict on the sort that's all laptop the traffic lay graffiti tante posso have me soil tero life si posata hambro life for a tragedy body that's a fast and rapidly no have me white clear attack to your city go that is the scene humne lyrics ki se mehnat ki thi ki hum back lyrics nahi likh rahe sirf hum log ट्रेंड के पीछे नहीं भाग रहे भाई, ठीक है, हम लोग ने इसको दिया है टाइम दिया और ऐसे ही चलेगा भाई, ठीक है, हमको मतलब यू नो रिस्पेक्ट चाहिए सीन में, और वो उसके लिए लड़ रहे हैं, मैं देख सकता हूँ वो चीजें भाई, ठीक है, डेफिनेटली रैपिडली किलो की हैं दे नो हैव मी व्हाइट लिरिक्स या टैग टू योर सिटी को वो क्या की थी ने बने थी टू लेट टैग ले रैप सिटी हर एक दिन हैं दे ग्रैंड बी फैन अ ट्विन टाइम टाइप होने जाना सबसे तोले नौ सौ सेकंड राइम हैं मैं ही बैक को हीरा पहला कोटे और ये साइन
ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई, ठीक है, क्योंकि ना एवरीडे यार हम ग्राइंड करते हैं भाई, ठीक है, हमको हमारे पास बीफ बीफ शिट के लिए टाइम है ही नहीं भाई, ठीक है, तो जो भी हमको डिस कर रहा है ना एवरीथिंग, यार मत एक्सपेक्ट करो यार कुछ भी हमसे, हमारे पास और बहुत सारे काम है करने को यार, है ना। टिकटॉक वालों को ने थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी भाई ने बहुत ज्यादा। भाई साहब, वी आर डायमंड ऑफ हिप हॉप नाउ, वी आर शाइनिंग दैट दैट इज द सीनियर डेफिनेटली। और टिकटॉक छोड़ो भाई, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, भाई ने बोल दिया काफी है, बहुत रिस्पेक्ट दे दिए भाई ने, मैं ज्यादा रिस्पेक्ट देना नहीं चाहूंगा, मेरा वैसे भी 36 का आंकड़ा है लोगों से, टिकटॉक वालों से, और डेफिनेटली भाई जो मेरे क्लिप्स डाल रहे हैं वहां पे, रिस्पेक्ट टू देम यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। किस तरह की बातें किए गए, तो मतलब यू नो, तो जितना भी ट्राई कर ले भाई, तो हमारे लेवल पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यू नो तेरा लेवल से भी बड़ा यू नो मेरा देखे भाई, दैट इज द सीन, ठीक है, मतलब सॉरी तेरे करियर से बड़ा बेसिकली, ओ मैन कितना बड़ा, सॉरी कितना छोटा करियर है भाई का जो सामने ऑप है। ना भी ओल्ड स्कूल लुक्स, एलवीस टी शर्ट विथ 1.5 लाख सूट भाई, ठीक है, फ्लॉन्ट करी जा रही है चीज़ें यहाँ पे, डेफिनेटली उसके साथ में यू नो स्किल्स फ्लॉन्ट करी जा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इतना इतना जोरदार फ्लो, इतनी जोरदार चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी भाई, ठीक है, पहले स्ट्रीट पे रैप करता था, लेकिन अब शो करने बाहर दे जाता हूँ, ए वैन सोहन दुब्स Alexandre ड्रॉप करो भाई, बीट बड़ी कमाल है यार। हमारे दो लौंडे आ गए भाई, मैन सूट कर रही है भाई, दोनों के ऊपर बाइक सूट कर रही है भाई, डेफिनेटली भाई मैं ऐसी ही चीजों के बारे में, गैंग मेंबर्स वैसे ही लग रहे थे, एज दे सेड भाई, ये फ्लेक्स नहीं है, फैक्ट्स है भाई। फ्लेक्स नहीं बोल सकते भाई, ठीक है, हक बनता है ना उनका ये सब चीज़ें बोलने का, उनने मेहनत की इस चीज़ के लिए यार, डेफिनेटली या भी एक्स वाइबर हिस्ट्री इन द मेकिंग, एग्जैक्टली भाई हिस्ट्री इन द मेकिंग, हाँ बहुत नई चीज़ें यार, और यू नो द वन थिंग जो मुझे इनके बारे में हमेशा से अच्छी लगती है कि ये हमेशा यू नो मतलब ये ना हमेशा फेम को सर पे चढ़ने नहीं देते यार, मतलब यू नो हर बार कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं, वो दिखाता है कि कितनी रिस्पेक्ट करते अपनी ऑडियंस की भी, और वो पोजीशन की जो इनको मिली है, ठीक है, हमेशा न्यू चीज़ें लेके आने का, हमेशा नए फ्लोज लेके आने का, हमेशा यू नो बहुत सटीक तरीके से यू नो अपनी बीट चूज करते, थोड़ी सी नई साउंड करे यू नो प्रोडक्शन में, मतलब वही है यार, बहुत बहुत मेहनत लगती है यार ये सब चीज़ें करने में यार, मतलब 1000 बीट सुनोगे तब जाके तुम्हारे को वो एक चीज़ मिलती है जिस पे तुम्हारा यू नो स्टाइल मैच करेगा, दैट इज़ अ सीन, तो वही है यार, हसल करो, क्योंकि पता है आर्टिस्ट बनना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है यार, आर्टिस्ट बनने में मैं तुमको अगर ऐसे गिनाने बैठे तो मतलब छोटे में ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना लिखाई ज़रूरी होती है, ठीक है, अगर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है तो उसको मैं बता, तो लिखाई ज़रूरी होती है, प्रोडक्शन ज़रूरी होता है, ठीक है, उसके ऊपर तुम्हारे वोकल्स आते हैं, एडलिव्स आते हैं, लेयर्स आती है, मिक्सिंग मास्टरिंग होती है, उसके ऊपर से फिर जब तुम्हारे पास वेव फाइल आती है, तुम म्यूज़िक वीडियो शूट करोगे, उसके ऊपर से तुम उसको एडिट करोगे, उसको पोस्ट करोगे, उसको प्रमोट करोगे, और इतनी सारी चीज़ें और भी होंगी चीज़ें, मैं अभी कुछ ना कुछ भूल रहा हूँगा, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी ना यू नो ये गारंटीड नहीं होता कि वो चीज़ें हिट बनेगी कि नहीं बनेगी, यू नो तो हसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई इस चीज़ में, क्योंकि यही प्रोसेस तुम्हें रिपीट भी करना है बहुत बार, तो अगर ये कोई 5 बार ये प्रोसेस करके ये सोच रहा है कि भाई यू नो मैं हिट हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता, यू नो तुमको हसल करनी पड़ेगी इन बंदों जैसी, तो यू नो तो अब तुम समझ गए हो कि ये बंदे कितने हसल करते हैं, स्टिल भाई यू नो जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लाइफ काट रहे हैं, एंड यू नो हक से जी रहे हैं, दैट इज़ अ सीन, ठीक है, और इनने अगर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मैंने इनकी हसल देख रहा हूँ, और यू नो डेफिनेटली इनका बनता है भाई ऊपर चढ़ना, तो तुम भी हसल करो, और फिलहाल के लिए
ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, कैसा लग रहा है तुमको ये गाना, कैसा लग रहा है तुमको ये रिएक्शन, अगर अच्छा लग रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी और भी सजेशन दे दो, मिलते हैं तुमसे किसी और ऐसी रिएक्शन में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड टाटा पीस। आंखों में पसंद वो तेरा मुस्कुराता चेहरा, आंचल में जो सर रखूं सफर ये मेरा ठहरा, तेरी यादों में हूं खोया, इसी गर्दिश में ना सोया, दिल तेरा जब तू खाया।